Let us say we have two series, and first there are two arithmetic progressions that we have. Let us say first arithmetic progression have 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, and so on. This is our first AP, AP number 1. First AP me amara first term hai? A1 is equal to 1 second. क्या हुआ ठीक है ए वन इज इक्वल टू फाइव और कॉमन डिफरेंस है टी वन इज इक्वल टू फोर दिस क्वेश्चन सेकेंड एपी है हमारा जिसका कि फर्स्ट टर्म है एट देन so है एलेवन फोर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन एंड सो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है एट और कॉमन डिफरेंस डी टू है थ्री कोई दिक्कत है ठीक है नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर इन दीज टू एपीज तो दो एपीज में कॉमन टर्म्स कितने होंगे क्वेश्चन इज कॉमन टर्म्स एंड लेट अस से ईच एपी हैज टोटल हंड्रेड टर्म्स ईच एपी हैज टोटल हंड्रेड टर्म्स ओके सो फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म है फाइव कॉमन डिफरेंस है फोर सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है एट और कॉमन डिफरेंस है थ्री इन एनी सच केस जैसे हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन किया था बट वहां पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं था वहां पे हमें मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी चाहिए था आई गेस ठीक है सो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है वी नीड टू फाइंड आउट कॉमन टर्म्स इन दीज टू सीरीज सीरीज नंबर वन एंड सीरीज नंबर टू में टोटल कॉमन टर्म्स कितने होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है फर्स्ट कॉमन टर्म डेफिनेटली क्या है सेवनटीन सेवनटीन है नेक्स्ट कॉमन टर्म इज ट्वेंटी ट्वेंटी नाउ ऑब्जर्व द कॉमन डिफरेंस इन दीज टू केसेस फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस है फोर सेकंड केस में कॉमन डिफरेंस थ्री तो जो भी हमारे कॉमन टर्म्स होंगे वो भी एक अरेथेमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे और उस पर्टिकुलर एरि प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस विल बी एल्सियम ऑफ दीज टू कॉमन डिफरेंसेज तो फॉर दैट पर्टिकुलर एपी एल्सियम कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी विल बीवल टू एल्सियम ऑफ डी एंड डी और डी हमारा फोर है डी है थ्री

देन टर्म नंबर कॉमन है देन टर्म नंबर टेन कॉमन होगा है कि नहीं ये अपना जो एपी बनेगा उसमें आएगा टर्म नंबर थर्टीन कॉमन होगा एंड सो ऑन जबकि सेकेंड सीरीज का टर्म नंबर फोर देन टर्म नंबर एट देन आएगा टर्म नंबर ट्वेल्व सिक्सटीन एंड सो ऑन दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स हंड्रेड है तो डेफिनेटली हमारे जिस सीरीज के टर्म्स पहले खत्म हो जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन होंगे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टर्म नंबर फोर कॉमन है टर्म 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 नंबर 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 एंड एंड सो सो ऑन ऑन तो लास्ट टर्म कौन सा कॉमन होगा सेकंड सीरीज का जो टर्म नंबर हंड्रेड मस्ट बी द लास्ट टर्म जो कि कॉमन आएगा दोनों सीरीज में जो कि दोनों सीरीज में कॉमन आ जाएगा बिकॉज सेकंड टर्म में टर्म ज्यादा जल्दी खत्म हो रहे हैं क्योंकि टर्म नंबर फोर से हम गए टर्म नंबर एट में जो कि कॉमन है फिर टर्म नंबर ट्वेल्व जबकि फर्स्ट सीरीज में फोर से गए सेवन पे सेवन से गए टेन पे टें से जाएंगे थर्टी पे डेफिनेटली ज्यादा टर्म्स कॉमन दिखेंगे बट प्रॉब्लम यह है सेकंड वाला सीरीज जल्दी खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद फर्स में फर्स्ट सीरीज में अगर कोई ऐसा टर्म आता भी है जो कि सेकंड से कॉमन हो सकता था तो सेकंड सीरीज वो टर्म आना भी चाहिए बट वो हंड्रेड टर्म के अगर बाद आ रहा है तो पॉइंट नहीं बनता एक लिमिट है ना तो दैट तो इज तो वो लिमिट जिस सीरीज के लिए पहले खत्म हो रहा है हमें उस सीरीज का लास्ट टर्म देखना पड़ेगा जो कि कॉमन आएगा तो डेफिनेटली सेकंड सीरीज में जो टर्म नंबर हंड्रेड है दैट विल बी द लास्ट टर्म दैट इज कॉमन और हंड्रेड टर्म हमारा आना का So last term will be 305. So n will be equal to 305 minus 17 divided by common difference which is 12 or plus 1. 305 minus 17 as I get 288, so 288 by 12 plus 1 and this will be 24 plus 1 and hence 25. दो यहाँ पे वैल्यूज हमने इतनी इजी ले ली थी की स्टेट यहाँ से भी दिख रहा है फोर के बाद में एट आ रहा है फिर ट्वेल्व आ रहा है और ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड होता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ट्वेंटी फाइव आएंगे क्योंकि वैल्यू इतना इजी था बट अगर नहीं होता तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता एन की वैल्यू हम इसी तरह से कैलकुलेट करते क्या अप्रोच क्लियर होता है ठीक है अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि पहली सीरीज का लास्ट टर्म निकाल लेते सेकंड सीरीज का लास्ट टर्म निकाल लेते और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करके देखते कि लास्ट टर्म हमारी सीरीज का कौन सा आने वाला है बिकॉज लास्ट टर्म ऑफ आवर सीरीज शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द लास्ट टर्म ऑफ बोथ द सीरीज दोनों सीरीज में से जिसका भी लास्ट टर्म लेसर आएगा उससे एक छोटी वैल्यू चाहिए बट क्योंकि हमें ज्यादा सिंपलर अप्रोच ये समझ में आता है कि हम देख लें दोनों में से कौन सी सीरीज के टर्म्स जल्दी खत्म हो रहे हैं जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म कौन सा होगा जो कि कॉमन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ये बात क्लियर है अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं ठीक है आई थॉट कि इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन जरूरी है कि कोई कोई थोड़ा सा क्वेश्चन अगर वेरीड होकर आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें क्वेश्चन लेते हैं पहला आज के सेशन का क्वेश्चन है पॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट योर सेल्फ और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को चेकआउट करना ठीक है क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिवाइड एटी टू फोर आर इन प्रोग्रेशन सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज 32 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू पार्ट फोर पार्ट में हमें एटी को डिवाइड करना है और कभी भी अगर फोर पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या देखेंगे हम क्या बेटर अप्रोच आएगा हमारे लिए कि जो फोर पार्ट है जिनमें हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट शुड बी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म इज ए माइनस थ्री डी एंड कॉमन डिफरेंस इज टू डी कॉमन डिफरेंस इज टू डी सम क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल दीज फोर विल बी फोर ए फोर एज इक्वल टू एज इक्टल ट्वेंटी आ जाएगा हमारे लिए बट ए नॉट फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 20 ट्वेंटी आ जा रहा है तो यहां से टर्म मिल गया ट्वेंटी माइनस थ्री डी ट्वेंटी माइनस डी ट्वेंटी प्लस डी एंड ट्वेंटी प्लस थ्री डी प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज थर्टी टू मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू पार्ट सेकेंड पार्ट है हमारा ट्वेंटी माइनस डी एंड ट्वेंटी प्लस डी तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का प्रोडक्ट आ गया ट्वेंटी डी इंटू ट्वेंटी प्लस डी एंड दिस प्रोडक्ट इज थर्टी टू मोर देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू पार्ट दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस थ्री डी इन टू ट्वेंटी प्लस थ्री डी प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी टू ओके सो यह वैल्यू बन गया हमारा ए माइनस डी इंटू डी यानी कि स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो ट्वेंटी स्क्वायर इज फोर हंड्रेड minus d square and that will be equal to 20 square minus 9 d square and 400 minus 9 d square plus 32 400 is so a 400 cancel out so 9 d square minus d square which will be 8 d square is equal to 32 so d square is equal to 4 and hence d will be equal to plus minus 2 common difference will be plus minus 2 so if we consider a common difference equal to plus 2 so in that case first term kya jaga? ट्वेंटी माइनस सिक्स सो दैट विली फोर्टीन देन नेक्स्ट आएगा एटीन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी सिक्स और अगर हमने कंसिडर किया दी इज कॉर्ड माइनस टू तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी टू यानी कि रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके सो दीज विली फोर पार्ट फोर्टीन एटीन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी सिक्स इज दैट क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी हुन बाई सिक्स And even number of arithmetic means are inserted. If the sum of these means exceeds their number by unity, then find the number of means. kitne means hum kitne humne arithmetic means insert किए honge We have understood this concept in the last session. So इसको uh, pause करके वीडियो को एक बार solve करने की कोशिश करो. Try to understand the question and accordingly question बनाने की कोशिश करो. देखो तो को दो numbers हैं हमारे a और b. और उनके बीच में हमने कुछ even number of arithmetic means को insert किया है. ठीक है हमें नहीं पता कितने किए but even number होगा उनका. क्या ही बात करें ठीक है अब अगर हमने कुछ भी नंबर इंसर्ट किया है देखो अरेथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी क्या होता है अगर ए है बी है बीच में हमने एन नंबर ऑफ इंसर्ट किया है ए वन ए टू इंसर्ट किया इनका है इनका एवरेज क्या आएगा एवरेज so so क्या आएगा एवरेज ऑफ ऑल दीज एमेटिक मीन्स मिल भी एवरेज ऑफ ए एम्स विल बी एवरेज ऑफ द टू नंबर्स तो एवरेज ऑफ ए एम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू तो सम क्या आ जाएगा सम विल बी

सो एन इंटू थर्टीन थर्टीन एन विल भी इक्वल टू ट्वेल्व इंटू एन प्लस वन और यहां से हमारा एन इज इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा एन इजल ट्वेल्व आ जाएगा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एक बार तुम समझ गए और नहीं समझे तो अटके रह जाओगे लैंग्वेज में फंस जाओगे क्या बात क्लियर होता है ठीक so, है सो एक बढ़िया सवाल सिंपल क्वेश्चन बट एक डिसेंट वन डिसेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली डू ए बल है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं

रेशो आ रहा है हमारा थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फोर एन प्लस नाइन ओके तो अगर एन टर्म का ये रेशियो हमें मिल रहा है सुखले एन टर्म होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी यानी डेफिनेटली हमारा जो नंबर मिलेगा ठीक है अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो आएगा लेटेस्ट से इसको मान लेते हैं कैपिटल एवन सो ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन टाइम स्मॉल डी ओके तो डेफिनेटली अगर हमें थ्री एन प्लस फाइव और फोर एन बाई नाइन फोर एन प्लस नाइन ये रेशियो मिल रहा है तो एग्जैक्ट हम एन टू वन अगर पुट करते हैं यहां पे, तो हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो रेशियो मिलेगा एक ये बात ध्यान रखना है वो एक्चुअल फर्स्ट टर्म का रेशियो होगा बट वो फर्स्ट टर्म रिस्पेक्टिवली होगा ऐसा जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एन एजॉर्ड वन पुट करते हैं तो यहाँ पे तो मिलेगा टी वन बाई टी वन और एन एजॉर्ड वन वैल्यू क्या आएगा थ्री प्लस फाइव एट डिवाइड बाई थर्टीन तो ये रेशो तो होगा फर्स्ट टर्म्स का बट जरूरी नहीं यही हो, है कोई भी और वैल्यू हो सकता है जिसका रेशियो 8 बाई हो फ्रैक्शन भी हो सकता है उसमें जरूरी नहीं है बट हाँ ये डेफिनेट है, कि जो रेशो है वो यही आएगा तो हमें यही मिलने वाला है और क्वेश्चन तो के सम का आएगा अगर हम मान लें देस नाइन अपॉन स्मॉल ठीक है तो क्या आ जाएगा फॉर्मला लगा दो आ जाएगा नाइन बाई टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस वन टाइम्स डी ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी टू इन माइनस वन टाइम्स डी सो यू कैन ऑब्जर्व हो जाएगा बच जाने वाला है सिर्फ अंदर का पोर्शन तो टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी यही बच जाने वाला है हमारे पास इज दैट क्लियर तो हम लिख सकते हैं अगर टू से डिवाइड कर दें तो यह ब्लस एन माइनस वन बाई टू टाइम्स डी अपॉन स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन बाई टू टाइम्स ये स्मॉल डी आएगा ना स्मॉल डी ओके तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इज दैट क्लियर अब क्या हम इस एक्सप्रेशन को अपने एन टर्म एन टर्म के से कंपेयर करा सकते हैं क्या हम इसको कंपेयर करा सकते हैं बिल्कुल कराया जा सकता है ठीक है क्योंकि एनड टर्म्स का रेशियो हमें गिवन है वो रेशियो तो हमें पता है इज एन सो ठीक है और हमें चाहिए रेशियो ऑफ सम अप टू एन टर्म्स का यानी कि हमारे लिए हमें एन क्या चाहिए एन शुड बी इक्वल टू नाइन कौन सा वाला एन ये वाला एन ये जो एन गिवन है दिस शुड बी इक्वल टू तो इफ एन इज इक्वल टू नाइन हम पुट कर दे कहां पे? इस एक्सप्रेशन में सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा पुट कर दो एन इज इक्वल टू नाइन सो दिस विल बिकम कैपिटल ए प्लस नाइन माइनस वन बाई टू यानी कि एट बाई टू प्लस फोर डी डिवाइड बाई स्मॉल ए प्लस फोर डी सो ये हमारा रेशियो किन टर्म्स का आ गया रेशियो ऑफ फोर टर्म्स फोर टर्म का फोर टर्म का रेशियो हमें मिल गया सो so? यानी कि फोर टर्म का जो रेशियो होगा वही सेम हमारे नाइन टर्म्स के सम का भी रेशियो होगा क्या यह बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो जो हमारा फोर टर्म्स का रेशियो होगा वही हमारे नाइन टर्म्स का सम का भी रेशियो होगा एक्चुअली मुझे नाइन इज टू नाइन यहां पे ऑलरेडी रख देना चाहिए था बट मैंने उस टाइम पे नहीं रखा क्योंकि बाहर नाइन रख के कैंसिल आउट कर दिया था तो अंदर भी नाइन रख देते ठीक है पर यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है स्टेट में डायरेक्टली कर सकते थे कि हम यहाँ पे सीए से नाइन जब पुटी कर रहे थे तो पूरे में रख देते तो अंदर भी आता है हमारा टू ए प्लस एट डी अपॉन टू टाइम्स स्मॉल ए प्लस एट डी तो रिजल्ट में यही वैल्यू मिल जाता है हमें ठीक है और ये हमारा क्या है फोर्थ टर्म का सम है फोर्थ टर्म का रेशो है तो यानी कि फोर्थ टर्म का रेशो कहां से मिलेगा इस एक्सप्रेशन में रेशो में बस एन एस गोलो फोरपुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा ईजिली बस एन की जगह पर पुट कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा तो हम एनएस गोलो पुट कर देते हैं अपने एक्सप्रेशन में आंसर हमें मिल जाएगा बस हमें यही तो पता करना था ठीक है सो तो बस यहां पे एन एस गोलो फोर पुट कर दो क्या रेशो मिल जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस फाइव एक सेकेंड एक सेकेंड टी फोर है ना हाँ अरे फिफ्थ टर्म आ रहा है ये क्या, क्या मैंने कर दिया ऐसा ब्लेंडर क्यों कर रहे हैं भाई ए प्लस फोर डी तो फिफ्थ टर्म होगा ना फोर्थ टर्म थोड़ी होगा फिफ्थ टर्म होगा ओके सो एंड इज गोलो फाइव पुट करेंगे यहाँ पे एंड इज गोलो फाइव पुट कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा दैट विल भी इक्वल टू फाइव थ्री दिफ्टी प्लस फाइव ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन सो दैट विल रेशियो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नाइन ऑप्शन डी विल बी दंसर

फर्स्ट टर्म होगा दैट मे बी एट का कोई मल्टीपल होगा एट सी और होगा और सिमिलरली हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी टर्म के लिए कि कोई भी जो हमारा जनरल टर्म होगा है कि नहीं तो वो क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म तो मिल गया एट और यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ये बेसिकली हम अगर रेशियो मिल रहा है हमारे तो टर्म वन का रेशियो क्या मिलेगा हमें एन इसे एट बाई थर्टीन मिलेगा ठीक है टर्म टू का रेशियो क्या मिलेगा टू पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा इलेवन बाई सेवनटीन इलेवन बाई सेवनटीन यानी कि हमारा जो फर्स्ट सीरीज है अपर वाला सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो एट है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री का कॉमन डिफरेंस आ रहा है थ्री का कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेकंड सीरीज में थर्टीन है और फोर का कॉमन डिफरेंस आ रहा है और कांस्टेंट मान लो यहां पे ताकि हमें चीजें हमारे लिए आसान हो जाए तो फर्स्ट टर्म फॉर फर्स्ट सीरीज इज एट सी कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीरीज इज थ्री सी कैपिटल डी कैपिटल डी और सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म आ जाएगा थर्टीन सी और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा फोर सी अब रेशियो अप टू एन टर्म्स का निकाल लेते हैं क्या आएगा सम ऑफ नाइन टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नाइन टर्म्स ऑफ द सेकंड सीरीज दैट विल बी नाइन बाई टू इंटू यानी टू इंटू प्लस नाइन माइनस यानी कि एट इंटू डी इज थ्री डिवाइडेड बाय नाइन बाई टू इंटू टू इंटू थर्टीन प्लस एट इंटू फोर सी देखो अप्रोच बेटर तो हमारा यही वाला था बट इस तरह से भी समझ लेते हैं कभी कंफ्यूज होते है तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर ही सकते हो ठीक है so सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा टू इंटू एटीन प्लस ट्वेंटी फोर यानी फोर्टी सी अपॉन ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी टू यानी कि फिफ्टी एट सी सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये समझाने के लिए बस ये तरीके के लिए, लिए लिखा था अदरवाइज स्ट्रेट वाई क्या करेंगे एग्जाम में सी लिखने की जरूरत ही नहीं बिकॉज रेशियो हम लेने वाले अल्टीमेटली तो उस सी को कैंसिल आउट ही होना है फोर्टी बाई फिफ्टी एट विलेंटी बाई ट्वेंटी डी विल ऑप्शन डी ट्वेंटी ओके और अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो हमने डायरेक्टली तुम ध्यान से मेरी बात को सुनना कि हमारा रेशियो आ रहा है थ्री एन प्लस फाइव अपॉन फोर एन

that will be common difference यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4 और फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 4 plus 9 13 क्या ये बात आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्योंकि इतनी सी बात देख लोगे तो फिर ये डीसी सीधे डायरेक्टली लिख पाओगे इज दैट क्लियर पर ये सिर्फ तभी होगा जबकि हमारा हमें रेशियो ऑफ एन टर्म का दिया होगा एन टर्म का रेशियो गिवन होगा तब ये बात है अगर हमें सम के लिए वैल्यूज गिवन होगा तो फिर डिफरेंट होगा मामला जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा क्लियर ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो

ठीक है आंसर हमें मिल जाएगा जैसे हम एन एस को ट्वेंटी फाइव पुट करेंगे so, एन 25 पुट करते, रिजल्ट थ्री अपॉन यही रिजल्ट मिलेगा क्लियरली ओके सो आंसर मिले फिफ्टी थ्री अपॉन वन फिफ्टी फाइव क्या यह पार्ट क्लियर है इज दैट मच क्लियर आंसर आ जाएगा फिफ्टी थ्री अपॉन वन फिफ्टी फाइव ऑप्शन ओके okay. क्या ये बात समझ में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आर थर्टी टर्म्स इन एन एपी द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर डिस्टिंग मतलब मतलब कि एपी है सारी टर्म्स डिफरेंट है कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है इस बात का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा वो जीरो नहीं है ओके okay. फिर क्वेश्चन ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स एंड द सम

कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो इन इंटीजर दैट कनाट भी अ फ्रेक्शन वैल्यू क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली हमारा एक इंटीजर होगा ओके okay? क्या ये बात क्लियर है और अगर कॉमन डिफेंस एक इंटीजर है तो फिर फर्स्ट टर्म भी तो इंटीजर होना चाहिए बिकॉज अगर फर्स्ट टर्म इंटीजर नहीं हुआ तो फिर ये हमारे सेकंड और थर्ड टर्म भी इंटीजर नहीं आ पाते नहीं आ पाते अगर सेकंड टर्म इंटीजर थर्ड टर्म इंटीजर तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा दट इज बाई कॉमन डिफरेंस हमारे का इंटीजर होगा और अगर कॉमन डिफरेंस इंटीजर है और सेकंड टर्म भी इंटीजर है तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म भी तो इंटीजर होगा यानी कि यहाँ से हमें यह भी क्लियर हुआ

तो थर्टी टर्म्स हैं टोटल सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स का रेशो फर्स्ट टेन टर्म्स से अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी ट्वाइस द ऑफ रेश टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ओके सो अब यहां पे ए और डी की वैल्यूज पुट कर देते हैं अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सम ऑफ समी टर्म्स आ जाएगा ट्वेंटी बाई टू इंटू टू ए प्लस नाइनटीन डी और सम ऑफ टेन टर्म्स आ जाएगा टेन बाई टू इंटू टू ए प्लस नाइन डी

ए डी एंड देट इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू ए डी प्लस नाइन ए डी यानी प्लस इलेवन ए डी एंड प्लस नाइन डी स्क्वायर टू ए स्क्वायर से टू ए स्क्र तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर बचेगा एट ए डी इज इक्वल टू नाइन डी स्क्वायर नाइन डी स्क्वायर को भी लेफ्ट एंड साइड लेके आ गया तो फिर हमारा डी कॉमन आ जाएगा अंदर बच जाएगा एट ए माइनस नाइन डी तो डी इन टू एट ए माइनस नाइन डी दैट इज इक्ल टू जीरो

या फिर हो सकते हैं उससे ही बड़ी वैल्यू हो सकते हैं तो नाइन और एट के मल्टीपल हो सकते हैं ए और डी नाइन और एट का मल्टीपल हो सकता है सो वी कैन एज दू नाइन के एंडी इज इक्वल टू एट के नाइन बाई एट था ना हाँ तो एजल टू नाइन के और इज़ इक्वल टू एट के समर्टी टर्म्स टोटल थर्टी बाई टू इंट टू इंटू एंटू नाइन के

सम ऑफ थर्टी टर्म्स विल बी थ्री सेवन फाइव जीरो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केसेस हमारा सम सेवन फाइव डबल जीरो भी हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है बट इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री सेवन फाइव जीरो सो द ऑनली पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है ऑप्शन बी नहीं हो सकता है बिकॉज वहां पर केजकोल डू वन बाई टू होगा जो कि पॉसिबल नहीं कि कोई इंडीजर ही होना है तो डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर होगा बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बट समझ में आएगा आई बिलीव ठीक है बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बातें अगर समझ में आई होंगी तो अप्रिशिएट करना इस बात को ठीक है क्या है बात होती है ओके okay. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट टेन टर्म ऑफ एन एपी इज वन फोर्टी फोर वाइल वी आर लिविंग द फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म से पी इज वन थर्टी फोर वाइल वी आर लिविंग द दिक्कस टर्म सो द टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीवेंस

134 आया जबकि हमने 6 टर्म को किया तो वन थर्टी फोर प्लस 6 टर्म क्या होगा टर्म नंबर और अगर ये दोनों equal है से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी टेन आ गया तो यहां से डी इज्क्वल टू आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ गया टू क्लियर ठीक है टेन टर्म्स का सम क्या आने वाला है बिकॉज हमें फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा ट्वेल्थ टर्म चाहिए डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं कॉमन डिफरेंस मिल गया है, बट फर्स्ट टर्म भी चाहिए, यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू भी चाहिए, तो यानी कि 10 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? That will be 10 by 2 into 2a plus 9d into 2a plus 9d and that is equal to 144 plus a. और d इसको टू पुट कर सकते हो इसमें. जैसे ही d इसको टू पुट करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 into 2a And that is 144 plus a. 5 to 2 hai, 10 a. 10 a plus 90 is equal to 144 plus a. And hence 9 a is equal to 54. So a will be equal to 6. a is equal to 6 aga, d is equal to 2 So term number 12 will be equal to a plus 11 d. So 6 plus 22. And hence answer must be equal to 28. Answer must be 28, which is option number d. ऑप्शन डी विल बी द दी एट क्लियर है ओके सो इतना ही रखते हैं सेशन में आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर डाउट कि वट वॉज योर डाउट और अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है साथ में यू कैन ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल मेथोलॉजिकल एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग